पुर्तगाली अन्वेषक वास्को द गामा ने यूरोप और भारत के बीच का समुद्री रास्ता ढूंढा और उनका जहाज उस समय का सबसे विशाल जहाज था। 28 मीटर की लंबाई वाला जहाज साओ गैब्रियल के नाम से जाना जाता था। जैसे ही वह दक्षिण अफ्रीका के तट पर पहुंचे, उन्होंने पहली बार भारत द्वारा निर्मित जहाज देखे। उनका आकार एवं प्रभुत्व देखकर वह अचंभित रह गए और इसका वर्णन उन्होंने अपनी कार्य दैनिकी में भी किया है। भारत में नौचालन की कला हजारों साल पुरानी है। 7516 किलोमीटर लंबा समुद्र तट और उसमें उष्ण पानी होने के कारण पूरे वर्ष ही नौचालन गतिविधियां लगी रहती थी। वेदों में वरुण देव को समुद्र का देव बताया गया है। आज भी भारतीय नौसेना का नारा है शम नो वरुणः। भारत के नवशास्त्र में लिखा गया है कि भारत में विशाल जहाजों का निर्माण होता था और इसके निर्माण के लिए कई कारखाने भी थे। प्राचीन भारतीय इस शास्त्र को बहुत गहरे रूप से समझते थे और इसी कारण से 5000 वर्षों तक उनका नौचालन में उत्कृष्ट योगदान रहा। कई सदियों पश्चात जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अपने लाभ और स्वार्थ के लिए भारतीय जहाजों को लूटा और नष्ट किया और ऐसा करने से 5000 वर्षों की विरासत भी समाप्त हो गई। हजारों वर्षों से पूरे विश्व में ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और शिल्पकारी का केंद्र रहा है यह अतुल्य भारत।